सबसे पहले आप अपने सारे छोटे बच्चों से मिले। He is gun and he is love. Yeah. She is dash on female. Now is the time to show you my lucky charm. So इसको पहले now it's turn for biggest one. Welcome guys. जैसे मैंने कहा था कि आपका special इंसान से मिलाऊंगा तो मैं फोन दिया उनके घर, तो ये है हमारे साथ। हेलो, माय नेम इज एमी अमनदीप, दिस इज माय हाउस, माय कैनल, मेरी हवेली ला लो भावे पंजाबी के अंदर, जितना मर्जी ला लो, थोड़ी अपनी मर्जी है। नाउ कम इनसाइड। चलो भैया, सबसे पहले आप अपने सारे छोटे बच्चों से मिले। ही इज गन एंड इज लव, दे बोथ आर सिज्जू। सिज्जू कितने दिन साल के हैं? ही इज 5 मंथ्स ओल्ड एंड शी इज 3 मंथ्स ओल्ड। 3 मंथ्स ओल्ड। थोड़ा भैया आगे बाहर चले, शुरुआत कर रहे हैं। अंदर ही छेड़ती है ये डैशो। शी इज डैश ऑन फीमेल, शी इज ऑलमोस्ट 8 मंथ्स ओल्ड। 8 मंथ्स। ये भैया ने रेस्क्यू की थी है ना? ये रेस्क्यू की भैया, काफी फ्रेंडली भी है बहुत ज्यादा। नाउ ये नहीं पकड़ में आता। He is king. Pomeranian spitz. Pomeranian क्या भी है? Spitz. Spitz breed आते हैं Pomeranian में। अच्छा। Spitz breed है। इसको ज़्यादा जल्दी आने की। Now is the time to show you my lucky charm. English cocker spaniel. His name is Rox. And he is almost 4 years old. 4 साल का है भैया जी। ये अकेला ऐसा है कि जिसके घर पे मैं अपना जिसके बल पे सारा घर छोड़ सकता हूँ। अकेला ही ऐसा है ये। जान बात है इसमें। एक्टिव, शरारती, सब कुछ यही है। वो तो मैंने देख लिया। He is like my son. He is my third son. Two is there and one is there. दो ही है। हेलो। देखो। हेलो बोलो कैमरे में। हेलो। हेलो। शिवा आप भी बोलो। हेलो शिवा। ये बिजी है। हेलो बोलो। चलो कोई नहीं, इसका बाद में लेंगे। अमन टफी लेके। अमन टफी गन को दिखा दिया। मेरे को जो भाग के आता है ना उसका दिखा दिया। अमेरिकन कॉकर स्पैनियल। साइलेंट। अमेरिकन कॉकर स्पैनियल। ठीक है। हर नेम गैरी। शी इज प्रेग्नेंट टू। अगर कोई भी पॉप्स लेना चाहे इन फ्यूचरली देन कॉन्टैक्ट मी। माय कॉन्टैक्ट नंबर आई विल मेंशन इन द लास्ट ऑफ दिस ब्लॉग। ओके भैया। ये भैया रेस्क्यू कर रखी थी वैसे? नहीं, रेस्क्यू आई हैव ओनली टू, वन इज पागल एंड वन इज डैश ऑन। हां, शी इज बीगल। ये रेस्क्यू तेरा भी है। एंड शी इज फीमेल। और ये भी बहुत शरारती बच्चा है मेरा। शरारती अभी शांत है, लेकिन अभी शांत है। आपको सके नई चीज देख के शायद घबरा गया थोड़ा सा। ये घबरा लो, मतलब शांत बात है। जितनी एनर्जी उसने दिखाई है, बस बस बस, नो 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 नो। बोलो नाम बताओ।
अरे मैम रिलैक्स हो गया था, कुछ नहीं स्टार्टिंग में तो पहले मेरे साथ ही हुआ था। इसका नाम क्या है? टफी। हर नेम इज टफी। शी इज ऑल्सो अमेरिकन कॉकर स्पैनियल एंड शी इज ऑल्सो प्रेगनेंट। ये भी प्रेगनेंट? या इन फ्यू डेज वी हैव सो मेनी डॉग्स इन अवर होम एंड शी इज माई वाइफ। हर नेम इज अमनदीप कौर। अपना जेड़ा भी काम है साडा दोनों का सब है, आप इकट्ठे मिल के करते हैं, इतना कर दें ताकि सामने वाले नु कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तभी काम क्या नाम ही मानते भी तो है ना। ये आएंगे भी ऊपर चलो फिर देखता हूँ मैं, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। अमन ब्रीफ काट के लेके आए तुम, ये जान बहुत है। एक उस वाले थी उसका मैं नाम भूल गया। बाहर आने कितनी जल्दी है, है? आ गया जान के। तीनों शैतान बच्चे अपनी काबू में आते भैया। इसी की बात करो तो बहुत शैतान है ये जो छोटा सा घूम ये वाला लगता छोटा सा लेकिन जान बहुत है। ये भी काबू ना वो वाला पकड़ लो। हाँ सो इसको पहले नाउ इट्स टर्न फॉर बिगेस्ट वन। बस शी इज लैब्राडोर फीमेल। कितने साल का भैया ये? शी इज ऑलमोस्ट टू इयर्स। टू इयर्स का? टू पॉइंट फाइव। हर नेम इज एश। शी शो क्वालिटी and so much active and playful with me always। ये दोनों मेरे को गिरते गिरते एक बार जरूर गिरेंगे, चाहे केज में गिरे चाहे नीचे गिरे एक बार जरूर गिरता हूँ। घेरना है। Now last one। ये मेरे को देख के आए नहीं मेरे पास, ये पहचाना नहीं। He is my biggest one, सबसे बिगेस्ट वाला ये हमारा लियो। He is 3 years old, Labrador, male. Male. He is too much attractive, active, playful and dangerous too. अगर ऐसा है कि कोई घर में आ नहीं सकता अननोन, अगर जब तक ये नहीं जाएगा है नहीं है अटैक भी कर देता है। अटैक करेगा अगर कोई अननोन बिना बताए घर में अंदर आएगा तभी जी। इसको लगा जैसे थ्रेटन हो रहा है कुछ। This is the place I'll make for my dogs. This is our houses. This is play area. अच्छे से कौन है अब? This is a place जो भी मैं डॉग रेस्क्यू करता हूँ या किसी की चोट होती है कुछ भी होता है मतलब कोई भी मेरे को रोड पे अगर कोई मिलता है या कुछ भी होता है जस्ट उनको ठीक करने के लिए। ठीक करने के बाद अगर कोई अच्छी फैमिली थी उनको वैक्सीन दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे कोई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि मुझे सेल ही करना है या कुछ ऐसा है कि मेरा कैनल है तो मैं सेल करूँगा। नो, इनकी सेवा करनी भी बहुत अच्छा काम है। अगर आपको कोई भी डॉग मिलता है उसको ले जाओ अपने घर में, जस्ट ठीक करके चाहे किसी को दे दो, ऐसा मत छोड़ो। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे देखे हैं कि लोग बांध के चले जाते हैं घर के बाहर। मेरे घर के बाहर अभी थोड़े दिन पहले बर्नार्ड बांध गया था कोई, इतना बड़ा जख्म था
उसको मैंने ठीक करके, मैंने उसको ब्रोटी वाला भी अडॉप्ट करवाया है किसी को, वो उनके पास है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। बस जान बहुत है। अरे चलो ये जैसे एकदम से मतलब इतना तैयारी करते हैं, अंदर बैठे ज्यादा बैठ रहे इधर बोल। हाँ हाँ चलो चलो भैया। ये तीन लगा सबसे ज्यादा मेरे को ना, मतलब जो कंट्रोल में नहीं आए। अब आ जाओ बाबा, हम बैठ गए। शंकर जी आपकी मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस की, जैसे लाइफ में कभी आगे बढ़ना हो, मतलब बंदे को प्रॉब्लम्स आ रही हो बहुत सारा, मतलब बैक से सपोर्ट ना मिल रहा, तो कैसे मतलब उसका सामना करना चाहिए? अपना ईमानदारी से काम करो, कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए जिंदगी में, सबसे बड़ी बात जो है। ऐसा नहीं कि आप लोगों काम स्टार्ट करा उसको अधूरा छोड़ दिया, उसको कंप्लीट करो हर काम को, और पूरे मन से पूरे लगन से करो, लोगों के साथ विश्वास बना के रखो। आजकल जो है कोई भी बिजनेस है, कोई भी सर्कल है, वो जो है सर आपका एक उसके ऊपर डिपेंड है, जो सर्कल के ऊपर ही। अगर आपके रिलेशन नहीं अच्छे तो आप जिंदगी में फेलियर हो, जिंदगी में भी फेलियर हो, बिजनेस में भी फेलियर, मतलब मेन सर्कल पे अपना ध्यान दो, जिनसे भी आप कॉन्टेक्ट करते हो। लोगों में विश्वास बनाना है, क्योंकि ईमानदारी की कमी है हिंदुस्तान के अंदर। ईमानदार लोगों को लोग पसंद करते हैं, ईमानदारी के ऊपर आदमी अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकता है। लेकिन काम में पूरी मेहनत करो, अपने काम से प्यार करो, सबसे बड़ी बात जो भी काम करते हो उसकी मोहब्बत करो, उसको काम के तरीके करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, पैसा भी कमाना चाहिए, पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसे के बगैर भी पैसा जरूरत ही बन गई, पैसे के बगैर कुछ होता भी नहीं है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। तो फिर गाइस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके देन बाय।